डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो दो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिए, एक मैंने आपको बताया डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास की और सेकंड वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम 2024 में। हर सब्जेक्ट पढ़ने को दिल करता है, ना जाने क्यों केमिस्ट्री से दिल डरता है। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। हाय 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 हाय, क्या कहने। चैप्टर नंबर 10 में से बच्चों आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में। ना जाने कब छूटेगी जान हमारी मैट्रिक्स से, हम भी तो कभी जिंदगी की बहारें देखेंगे। हम तो देखेंगे, लाजिम है के हम भी देखेंगे। जितने अच्छे नंबर उतना अच्छे कॉलेज, जितने अच्छे कॉलेज उतने अच्छी यूनिवर्सिटी, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी जॉब, जितनी अच्छी जॉब उतने अच्छे पैसे। हमारे घरों में अगर एक ही बात का रोना धोना धोया जाता है तो वो जस्ट पैसे ना होने का धोया जाता है। अगर आपके घरों में पैसे होंगे तो रोना धोना ही नहीं होगा। हाय 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 हाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। जिंदगी में अगर दुख ना आए तो सुख की अहमियत कौन समझेगा। इम्तिहान में मेरे 1000+ मार्क्स ना आए तो मेरी खाक अहमियत कोई समझेगा। हाय 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 हाय, क्या कहने शायर के, क्या कहने। खोला जे किताब ते मुसीबत है नराली, ये लगता है होने ही उल्टी आन आली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना, वो होगा हमारे पास क्लास 10th केमिस्ट्री। सबसे पहले हम पेरिंग स्कीम की बात करते हैं। क्लास 10th एग्जाम 2024 केमिस्ट्री का जो बच्चों आपका पेपर होगा वो होगा 9 मार्च एग्जाम 2024 को, सैटरडे को आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा और जनरल साइंस वालों का जनरल साइंस का पेपर होगा। याद रखें केमिस्ट्री में बच्चों जस्ट आपको एक ही छुट्टी है। केमिस्ट्री का बच्चों जो टोटल एग्जाम्स है वो है आपके पास 60 मार्क्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच्चों आपके पास 12 मार्क्स की आएंगी। इसके बाद सब्जेक्टिव बच्चों आपके पास 30 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों जस्ट आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपको आएंगे कितने, 8 क्वेश्चंस आएंगे और आपने जस्ट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 9 में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकती हैं। चैप्टर नंबर 11 में से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, इसमें से आपके पास कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। चैप्टर नंबर 13 में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 का आएगा पेयर आपके पास चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 में से आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपने जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 10 में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 14 में से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर आपके पास 14 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो चैप्टर नंबर 15 में से बच्चों 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 18 मार्क्स का आएगा। याद रखें कि पेरिंग स्कीम के मुताबिक आपने एग्जाम 2024 की अपनी प्रेपरेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13 का पेयर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15 का एक पेयर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट बच्चों चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 एग्जाम 2024 में। अगर बच्चों जस्ट आपने इस वाली पेरिंग स्कीम को फॉलो कर लिया, इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 60 out of 60 मार्क्स। इकरा आबिद के एग्जाम 2023 में केमिस्ट्री में मार्क्स चेक करें, 9th में मार्क्स आए 56 और 10th में मार्क्स आए 60 out of 60 और टोटल मार्क्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आमना नयाब के बच्चों केमिस्ट्री में आप मार्क्स देख सकते हैं, केमिस्ट्री में 57 आया 9th में, 10th में 59 आया, रोल नंबर भी आप देख सकते हैं। दाऊद अली के केमिस्ट्री में आप नंबर देख सकते हैं, 9th में 60 आया, 10th में 59 मार्क्स आया, टोटल मार्क्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रोल नंबर भी देख सकते हैं। मलाइका की आप केमिस्ट्री में मार्क्स देख सकते हैं, 9th में 58 एंड 10th में 60 out of 60 है, टोटल मार्क्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपने अपनी बुक पर निशान लगा लेना। जो जो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला आपका एग्जाम 2024 में पूरा पेपर आएगा। इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेन 60 out of 60 मार्क्स इन एग्जाम 2024।
याद रखें कि आपका 9 मार्च एग्जाम 2024 को सैटरडे को केमिस्ट्री का पेपर होना है, भूलना नहीं है चीज को। चैप्टर नंबर 9 में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकती हैं। चैप्टर नंबर 9 है केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इसके बाद व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन है, लाजमी इसकी डायग्राम लाजमी बनाए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के पहले वाले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें ना, तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों अगर हम टेक्स्ट योरसेल्फ की बात करें तो टेक्स्ट योरसेल्फ सारी के सारी के जो बुक्स की है, जो मैंने आपको मेंशन की है क्वेश्चंस, जस्ट आपने बस वही करने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो टेक्स्ट योरसेल्फ में डिफाइन द लॉ ऑफ मास एक्शन, हाउ द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट योरसेल्फ 9.2। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिए हैं, एक मैंने आपको बताया डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास की और सेकंड वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम 2024 में। इसके बाद पेज नंबर 13 है, निन्ने मुन्ने से सवाल है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हम टेक्स्ट योरसेल्फ 9.3 की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपके हर चैप्टर के लास्ट में देखें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन लिखा होगा पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में है। अगर हम इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें ना, तो आप अपने पेज नंबर 18 पे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं, 4 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यही पेपर आएगा इन चारों में से। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जनरल रिएक्शन, वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जो जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताया, जो जो मैंने आपको टेक्स्ट योरसेल्फ में बताया, जो मैंने बच्चों आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बताया, जस्ट बस आपने वही करना है। अगर हम गेस पेपर 2024 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 के बच्चों आप एमसीक्यूज अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कंपेयर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हाट इज द मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, व्हाट इज द लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। ये वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यहां से आपके पास बैक शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, टेक्स्ट योरसेल्फ भी हैं, जस्ट आपने बस यही करने हैं। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं राइट फॉर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद अगर हम कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस की बात करें ना, तो आप याद रखें एग्जामिनर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, वो कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन पूछता है। आप देखें फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ मास एक्शन है, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ए कैपिटल ए प्लस बी रिवर्सिबल, सी कैपिटल सी प्लस कैपिटल डी डी। इसके बाद ड्राइव डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय जनरल रिएक्शन। ये सारे क्वेश्चंस का बच्चों एक ही आंसर है। एग्जामिनर क्या करता है, जस्ट बच्चों को कंफ्यूज करता है, क्वेश्चंस की जो नेचर है वो चेंज कर देता है एग्जामिनर, आगे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो। अगर जस्ट आपने कॉन्सेप्चुअल टाइप्स के क्वेश्चन अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिए, तो इंशाल्लाह ताला आपका पूरा पेपर चाहे जितना भी कॉन्सेप्चुअल होगा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आंसर आपको आता होता है। लेकिन क्वेश्चन देखकर बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, वो एग्जाम में पूरा पेपर खाली छोड़ाते हैं। याद रखें कभी भी आपने पेपर खाली छोड़ के नहीं आना। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट राइट इट्स यूनिट विद एग्जांपल, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्लेन इट्स यूनिट्स, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये हमारे पास सारे के सारे बच्चों एक ही क्वेश्चन है, इन सब का एक ही आंसर है। इंशाल्लाह अल्लाह को कम से जो जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन बताया वही आएगा। चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिक एंड साल्ट, बच्चों ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी है। हर सब्जेक्ट पढ़ने को दिल करता है, ना जाने क्यों केमिस्ट्री से दिल डरता है, दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी। हाय 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 क्या कहने। चैप्टर नंबर 10 में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। इसके बाद आर हैनिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस एम्फोटेरिक। हाय 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 सुभान अल्लाह मैं सदके जावा। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग
क्वेश्चन में टेक्स योर सेल्फ याद रखे। अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री में गेन करने तो टेक्स योर सेल्फ लाजमी करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, आपके पास कोई सी तीन कल है, मेटल्स है, कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, रिएक्शन विद बेसिस हमारे पास कोई सी आपने बस तीन करनी है। अगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा तो यूजेस ऑफ एसिड्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर है 13, प्रीसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने बच्चों लाजमी रिएक्शन लाजमी याद करके जाने हैं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यूजेस ऑफ बेसिस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। टैक्स योरसेल्फ हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। टैक्स योरसेल्फ 10.3 में हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है व्हाई प्योर वाटर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4। साल्ट वाला हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट की बात करूं तो इनमें से आपके पास लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। नॉर्मल साल्ट है, मिक्स साल्ट है, एसिडिक साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इसको शॉर्ट शॉर्ट बनाकर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है वो। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। अगर हम टेक्स योरसेल्फ की बात करें तो 10.5 है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं बेसिक साल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है, लाजमी आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में करना है। इसके बाद अगर हम बैक शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। टेस्ट पेपर 2024 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 एसिड और बेसिड के बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं। गेस्ट पेपर 2024 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 अभी हम डिस्कस करके आए हैं। डिफाइन इंडिकेटर्स व्हाई प्योर वाटर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिफाइन साल्ट एंड राइट नेम्स ऑफ टू साल्ट, जो जो मैंने आपको बताया जस्ट बस आपने वही करना है। इसके बाद बच्चों अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें ना तो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसके बाद अगर हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो राइट द यूजेस ऑफ एसिड, गिव यूज ऑफ 5 डिफरेंट एसिड्स इन एवरी लाइफ, राइट द यूजेस ऑफ फॉलोइंग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बेंजोनिक एसिड के अलावा भी वो आपसे पूछ सकते हैं। राइट द यूजेस ऑफ फॉलोइंग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजोनिक एसिड, 1, 2, 3, 4 चार टाइप्स के बच्चों आपके कॉन्सेप्चुअल टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपको आंसर आता होता है लेकिन जब एग्जामिनर क्वेश्चन की नेचर चेंज करते हैं ना तो आप उसका आंसर भी भूल जाते हो। तो कोशिश ये करनी है कि जो जो हमने आपको बताया है जस्ट बस आपने वही करना है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसके बाद इसी क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम विद सल्फ्यूरिक एंड बाइकार्बोनेट। अब आप देखिए, अब आपने क्या याद किया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, लेकिन उसने क्वेश्चन का पूछने का अंदाज चेक करें, डिफरेंट ही अंदाज है क्वेश्चन का पूछने का। जस्ट आपने जस्ट जो जो हमने आपको क्वेश्चन दिया जस्ट बच्चों आपने बस वही करने हैं। गेस्ट पेपर 2024 जस्ट बच्चों आपने बस यहीं से तैयारी करनी है। इसके अलावा बच्चों प्रीवियस ईयर जो जो हमने बच्चों को गेस्ट पेपर दिया था पूरा अल्लाह को कम से पूरा पेपर आया, इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। यार 10th वालों की केमिस्ट्री का हलवा पेपर आया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी की होगी। आप अपनी स्क्रीन पर पेपर देख सकते हैं। तो व्हाट आर मोनोसैकेराइड गिव वन एग्जांपल, आर मोनोसैकेराइड गिव वन एग्जांपल, डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ विटामिन, डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए, अमीनो एसिड्स एसेंशियल फॉर अस, अमीनो एसिड्स एसेंशियल फॉर अस, द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, डाउन द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एन एग्जांपल, डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम टू एसिड्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, राइट एनी नेम्स टू एसिड्स यूज इन सिंथेसाइज़ ऑफ फर्टिलाइजर, राइट डाउन टू यूजेस ऑफ एथीन, राइट डाउन द टू यूजेस ऑफ एथीन, केन्स कॉल्ड पैराफीन, व्हाई एल्कीन्स आर कॉल्ड पैराफीन, व्हाट इज रस्टिंग, इसके बाद देखें स्टेट रोस्टिंग, व्हाट इज ओजोन होल, व्हाट इज ओजोन, व्हाई डज टेंपरेचर डिक्रीज इन ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, व्हाई आर पेस्टिसाइड्स यूज्ड, व्हाई पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। लॉन्ग क्वेश्चन भी यार जो जो हमने एक स्कीम स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर में बताई हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वही आई है। सबसे पहले देखें चैप्टर नंबर 13 में से क्या आया है, यूजेस ऑफ प्रोटीन, ये चेक करें सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन का रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन को मिला के उसने लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। गिव यूजेस ऑफ 5 डिफरेंट एसिड्स
इन एवरीडे लाइफ राइट द यूजेस ऑफ एसिड्स हार्ड वाटर. नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ ओड्स, एक्सप्लेन ग्रेविटी सेपरेशन एंड फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस ऑफ ओड्स. व्हाट आर ओड्स, फोर्थ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन. अगर आपको भी क्लास 10th साइंस ग्रुप ऑल सब्जेक्ट गेस्ट पेपर 2024 तर्जमतुल कुरान की न्यू बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स कंप्यूटर साइंस पाक स्टडी इंग्लिश उर्दू इस्लामिया कंपलसरी की भी हमारे पास न्यू बुक है. अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहिए अभी अपने घर मंगवाए और इम्तिहान में 1000 प्लस मार्क्स गेन करे गारंटी है. मैंने आपको बताया भी है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे 1000 प्लस मार्क्स, तो इकरा आबिद के आप मार्क्स चेक करें. केमिस्ट्री में मार्क्स आए हैं 9th में 56, 10th में मार्क्स आए हैं 60 और टोटल मार्क्स आए हैं 1004. इसी तरह आमना के मार्क्स चेक करें, आपके पास टोटल मार्क्स आए हैं 1035 और आपके पास केमिस्ट्री में मार्क्स आए हैं 9th में 57, 10th में 59. दाऊद अली के रोल नंबर भी आप देख सकते हैं, टोटल मार्क्स भी आप देख सकते हैं. केमिस्ट्री में मार्क्स आए हैं 69th में, 10th में मार्क्स आए हैं 59. मलाइका के मार्क्स आए हैं 1048 और केमिस्ट्री में बच्चों आप नंबर देख भी सकते हैं, केमिस्ट्री में 10th में 60 आउट ऑफ 60 है. इन सारे गेस्ट पेपर्स की प्राइस है 1999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है, पहले पेमेंट हमने रिसीव नहीं करनी. घर मंगवाने के लिए भी हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें और क्लास 10th के गेस्ट पेपर लाजमी ऑर्डर करें. और इस नंबर पे ऑर्डर करने के बाद इस नंबर पे स्क्रीनशॉट लाजमी हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें. गेस्ट पेपर घर मंगवाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ. आपने जाना है गूगल पर, गूगल पर जाने के बाद आपने लिखना है यहाँ पर हमारी वेबसाइट मैथ की दुनिया. मैथ की दुनिया पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है ऑर्डर योर गेस्ट पेपर पे, आपने क्लिक करना है, आपको हमारी वेबसाइट शो हो जाएगी. जो भी आपका ग्रुप है वहाँ पे आप क्लिक करें. अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 9th में किसी सब्जेक्ट में सप्ली है तो यहाँ से आप इस टैब को ओपन करें. यहाँ से आपकी फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में सप्ली है, उर्दू में सप्ली है, अगर सप्ली नहीं है तो इस वाले टैब को ओपन ना करें. यहाँ पे आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है. प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो भी आप सिलेक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट वो आपको मिल जाएंगे. प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करें. यहाँ पे आपने फुल नेम अपना लाजमी एंड मेंशन करना है. फॉर एग्जाम्पल फुल नेम है अकील अकबर. अपना मोबाइल नंबर, आप ये वो मोबाइल नंबर है जो TCS वालों को हमने देना है ताकि आपसे वो कॉन्टेक्ट कर सके. इसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर आपने लाजमी देना है. प्रोविंस सिलेक्ट करें. यहाँ पे आपने एड्रेस में तफसील से अपना एड्रेस बताना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक, एरिया, मोहल्ला, जो भी है. देन लास्ट में प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दें. योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने लाजमी जो मैंने आपको नंबर बताया उस नंबर पे लाजमी आप लोगों ने शेयर करना है. इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं बच्चों, BCPM साइंस वाला दोबारा फिर बच्चों को चूना लगाने आगे अपने गैस पेपर 2000 में बेच रहा है. आप जहां से मर्जी लें लेकिन पहले प्रूफ करें कि उनके पास न्यू बुक्स के गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं या नहीं. मैंने 9th क्लास के बाय किए हैं, मैंने 10th क्लास के बाय किए हैं, मैंने फर्स्ट ईयर क्लास के बाय किए हैं, मैंने सेकंड ईयर क्लास के बाय किए हैं. इस नंबर पर वो आपको कहेगा कि इजी पैसा जैस कैश करवाएं, ये नंबर लाजमी अपने पास रखें. अगर आप इनसे मंगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले इनको कहें कि आपके पास न्यू बुक के अवेलेबल हैं तो हमें एक एक दो दो चैप्टर का प्रूफ दिखाया जैसे मैंने आपको प्रूफ दिखाया. इनसे कहें तर्जमतुल कुरान 10th क्लास की जो न्यू बुक आई है उसके हमें गेस्ट पेपर लाजमी दिखाए. इसके बाद कंप्यूटर साइंस जो आपके पास न्यू बुक आई है उसके गेस्ट पेपर दिखाएं. इसके बाद इस्लामियात कंपलसरी जो आपके पास न्यू बुक आई है एग्जाम 2024 के लिए उसके आपके पास अगर गेस्ट पेपर अवेलेबल है तो वो लाजमी दिखाए. ये नंबर अपना नोट कर ले लाजमी. इस नंबर पे आपको वो कहेगा कि हमें इजी पैसा जैस कैश करवाएं. जब आप इनसे बाय कर लेंगे तो 2-3 दिन बाद इनसे आप रिप्लाई करेंगे कि आपके पास ये तो ओल्ड बुक्स की है तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे. चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. जस्ट बच्चों आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन में करना है. चैप्टर नंबर 11 में से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं. इसमें से आपके पास कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में. ओपन चेन एंड एसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में. आइसोमेरिज्म्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में. टेक्स्ट योरसेल्फ की बात करें तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में. हाउ कॉल वास फॉर्मेट हमारे पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में. टेक्स्ट योरसेल्फ के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1, 2, 3, 5 हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में. टेक्स्ट योरसेल्फ 11.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अल्कोहलिक ग्रुप है, इथल लिंकेज है हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट में. टेक्स्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 हमारे पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में. याद रखें चैप्टर नंबर 11 में से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट आएंगे गेस्ट पेपर 2024 चैप्टर नंबर 11 के. अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पर MCQs भी दिखा दूं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन
पर देख भी सकती है। अभी हम डिस्कस करके आए हैं राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, हाउ कोल वाज फॉर्मेड, व्हाट इज मीन्ड बाय अजोमिनिज्म, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो अभी अभी हम डिस्कस करके आए। चैप्टर नंबर 12 में से बच्चों आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 12 है हाइड्रोकार्बन, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में। ना जाने कब छूटेगी जान हमारी मैट्रिक्स से, हम भी तो कभी जिंदगी की बहारें देखेंगे, हम तो देखेंगे, लाजिम है के हम भी देखेंगे। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं हाइड्रोकार्बन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट में है। इसके बाद हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, टेक्स योरसेल्फ 12.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। याद रखें अगर आपने टेक्स योरसेल्फ कर ली ना तो आप 8 क्वेश्चंस में से 5 इजीली हर क्वेश्चंस के अटेम्प्ट कर सकती हैं। टेक्स योरसेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है, चैप्टर नंबर 12 है। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। हैलोजिनेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग में है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। चैप्टर नंबर 12 के अगर मैं आपको एमसीक्यूज़ भी दिखा दूं तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे गेस्ट पेपर में टेक्स्ट योरसेल्फ है, बैक शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल टाइप्स क्वेश्चन है, जो जो हमने आपको गेस्ट पेपर में दिया है सिर्फ बस आपने बस वही करने, आंखें बंद करके नहीं आंखें खोल के। चैप्टर नंबर 13 में से बच्चों आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री में बच्चों मेरी प्यारी शहजादियों, मेरे प्यारे शहजादों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, शॉर्ट में है, लॉन्ग में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसैकेराइड हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में है, ओलिगोसैकेराइड हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में है, यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। टेक्स योरसेल्फ की अगर हम बात करें तो 13.1 हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5। डिफाइन इमिनो एसिड्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट में है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। नॉन एसेंशियल इमिनो एसिड्स, एसेंशियल इमिनो एसिड्स हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट में है। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। इसके अलावा टेक्स योरसेल्फ, यार याद रखियो तानू खुदा दा वास्ता जे कि टेक्स योरसेल्फ लाजमी अपने दिमाग में करके जाना, बड़े अच्छे तरीके से करना। याद रखें कि 100 में से ना कोई 70-80% जो आपका पेपर आएगा ना वो टेक्स योरसेल्फ से आएगा। जितने ज्यादा आप टेक्स योरसेल्फ में मेहनत करेंगे उतने ज्यादा केमिस्ट्री के अच्छे नंबर होंगे, और जितने ज्यादा केमिस्ट्री के अच्छे नंबर होंगे उतने ज्यादा अच्छे फिजिक्स के नंबर होंगे। याद रखें जितना ज्यादा आप अच्छा पढ़ेंगे, अपने वालदैन के लिए पढ़ें, अपने लिए पढ़ें, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ें, जितने अच्छे पढ़ें उतने अच्छे नंबर, जितने अच्छे नंबर उतना अच्छे कॉलेज, जितने अच्छे कॉलेज उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी जॉब, जितनी अच्छी जॉब उतने अच्छे पैसे। हमारे घरों में अगर एक ही बात का रोना धोना धोया जाता है तो वो जस्ट पैसे ना होने का धोया जाता है। अगर आपके घरों में पैसे होंगे तो रोना धोना ही नहीं होगा। रिफाइंड लिपिड्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। अगर हम टैक्स योरसेल्फ की बात करें तो किसी भी टैक्स योरसेल्फ में आपने सारी टैक्स योरसेल्फ नहीं करने बैठ जाना, जो बच्चों हमने आपको गेस्ट पेपर में बताया जस्ट बच्चों आपने बस वही करना है। हाय 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज दिखा दूं तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखा दूं तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जस्ट बच्चों आपने बस यही दिल लगाकर मेहनत करनी है ताकि आपके भी एग्जाम में 60 out of 60 मार्क्स आ सके। अब ये जो स्टूडेंट्स है जिनके 1000+ मार्क्स आए, 1004 नंबर है, 1035 है, 1041 नंबर है और मलाइका के 1048 नंबर है, ये वही बच्चे हैं बच्चों जो आपकी तरह खाते हैं पीते हैं। इनके पास भी वही बुक्स हैं जो आप लोगों के पास बुक्स हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये स्टडी के मामले में किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन आप हैं कि अपनी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब तक आप अपने मोबाइल को, सेल फोन को किसी जगह पर रखकर टिक कर उसको अपनी जिंदगी से निकालेंगे नहीं ना तो आपकी जिंदगी में खुशहाली नहीं आने वाली। अगर आप भी चाहते हैं कि 1000+ मार्क्स नंबर गेन करें जिस तरह ये जो स्टूडेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं इनकी तरह, तो आप भी कोशिश करें, दिन रात पढ़ें। सिर्फ आपने मार्च तक पढ़ना है, मार्च के बाद आपने जो मर्जी करें, उसके बाद आपकी कॉलेज लाइफ शुरू हो जानी है। सिर्फ आपने मैट्रिक तक मेहनत करनी है, मैट्रिक के बाद मेहनत का तस्वुर ही पैदा नहीं होता। चैप्टर नंबर 13 का जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखाए हैं, बताए हैं, गेस्ट पेपर वाले लाजमी आपने करने हैं,
और इंशाल्लाह ताला जो ये बैक शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको भी क्लास 10th साइंस ग्रुप ऑल सब्जेक्ट गेस्ट पेपर 2024 तर्जमतुल कुरान की न्यू बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स कंप्यूटर साइंस पाक स्टडी इंग्लिश उर्दू इस्लामिया कंपलसरी की भी हमारे पास न्यू बुक है। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहिए अभी अपने घर मंगवाए और इम्तिहान में 1000+ मार्क्स गेन करे गारंटी है। मैंने आपको बताया भी है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे 1000+ मार्क्स नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है, पहले पेमेंट हमने रिसीव नहीं करनी। घर मंगवाने के लिए भी हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें और क्लास 10th के गेस्ट पेपर लाजमी ऑर्डर करें। और इस नंबर पे ऑर्डर करने के बाद इस नंबर पे स्क्रीनशॉट लाजमी हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें। और चैप्टर नंबर 14 में से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर आपके पास 14 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। जिंदगी में अगर दुख ना आए तो सुख की अहमियत कौन समझेगा। इम्तिहान में मेरे 1000+ मार्क्स ना आए तो मेरी खाक अहमियत कोई समझेगा। हाय 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 क्या कहने शायर के क्या कहने। एटमोस्फेरिक चैप्टर नंबर 14 बच्चों आपके पास याद रखेंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं बोर्ड एग्जाम्स में। आपने चैप्टर नंबर 14 को बड़े अच्छे तरीके से करना है क्योंकि यहाँ से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। एक्स योरसेल्फ 14.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में। 14.2 हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। याद रखें कि अगर आपने टेक्स योरसेल्फ चैप्टर नंबर 14 की और हमारे गेस्ट पेपर्स कर लिए इंशाल्लाह अल्लाह को कम से पूरा पेपर आप एग्जाम 2024 में सॉल्यूशन करके आएंगे। हमारे पास हर चैप्टर के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप्स क्वेश्चन अवेलेबल हैं। चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो चैप्टर नंबर 15 में से बच्चों 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। खोला जे किताब ते मुसीबत है नराली ये लगता है होने ही उल्टी आन आली ये। चैप्टर नंबर 15 वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, लॉन्ग क्वेश्चन में। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट में है। टेम्परेरी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट में है। 15.1 कैल्पनी एक्शन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। Yourself 15.1 जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों जस्ट बच्चों आपने बस वही करना है, इसके अलावा और आपने कोई काम नहीं करना क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम 2024 में आना ही आनी है। इसके अलावा बच्चों आप अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो गेस्ट पेपर 2024 चैप्टर नंबर 15 के आप बच्चों एमसीक्यूज भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अगर आपको 10th साइंस ग्रुप ऑल सब्जेक्ट गेस्ट पेपर 2024 चाहिए जिसमें तर्जमतुल कुरान की न्यू बुक है फिजिक्स है केमिस्ट्री है बायोलॉजी है कंप्यूटर साइंस है पाक स्टडी इंग्लिश उर्दू इस्लामियात कंपलसरी की अपने सारे गेस्ट पेपर अगर आपको चाहिए तो 1000+ मार्क्स आप गारंटी है गेन कर सकते हैं। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है 1999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट आपने बच्चों कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। घर मंगवाने के लिए भी हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें। क्लास 10th के गेस्ट पेपर्स का अभी ऑर्डर दें और लास्ट में अपना स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लाजमी शेयर करें। जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे इकरा आबिद के 1004+ मार्क्स हैं, आमना के 1035 मार्क्स हैं, दाऊद अली के 1048 मार्क्स हैं और मलाइका के 1048 मार्क्स हैं। चैप्टर नंबर 16 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सोच के केमिस्ट्री दा दिल हिल जांदा है, ना लेंदे मैथ खोला बीपी हाई हो जांदा है। चैप्टर नंबर 16 बच्चों लास्ट चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में। याद रखें यहां से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। मिनरल्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओर्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेक्स योरसेल्फ 16.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में। कैल्सिनेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अमोनिया रिकवरी टावर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट में है। टेक्स योरसेल्फ 16.2 की अगर हम बात करें तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों अगर आपको गेस्ट पेपर 2024 चाहिए और जिससे आप 1000+ मार्क्स गेन कर सकते हैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर मिलेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिससे आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी किसी की 9th क्लास में सप्ली है केमिस्ट्री की तो हमारे पास गेस्ट पेपर आपने हमारी वेबसाइट पर जाना है। 10th क्लास के साथ आपने 9th की केमिस्ट्री की सब्जेक्ट की सप्ली भी आप अपने घर मंगवा सकते हैं जिससे आप 9th क्लास केमिस्ट्री में भी जो मैंने आपको बताया जस्ट बच्चों आपने जस्ट वही करना है। इंशाल्लाह ताला आप 1000+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सारे गेस्ट पेपर मंगवाने के लिए और 1000+ मार्क्स गेन करने के लिए घर मंगवाने के लिए भी हमारी वेबसाइट
mathkidunia.com पर लाजमी विजिट करें। क्लास 10th के गेस्ट पेपर्स का ऑर्डर दे, ऑर्डर देने के बाद बच्चों आपने उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लाजमी शेयर करना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे 1041 मार्क्स हैं दाऊद अली के। इसके बाद आप मलाइका के नंबर भी देख सकते हैं 1048 मार्क्स है। अब आप पे डिपेंड करते हैं आपने कितनी मेहनत करनी अपने लिए, अपने वालदैन के लिए। जितनी ज्यादा आप अपने वालदैन के लिए मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको एक ना एक दिन लाजमी फल लगाएगा। दिल लगाकर मेहनत करें, सिर्फ मार्च तक पढ़ लें, उसके बाद टिकटॉक बनाएं, उसके बाद ठुमके लगाएं, उसके बाद जो मर्जी करें लेकिन लिमिट्स में रहकर। अभी आपने जस्ट अपना टिकटॉक फेसबुक व्हाट्सएप को आप 6 महीने का चिल्ला काटें, इंशाल्लाह ताला आपके भी 1000+ नंबर आएंगे। यहाँ पे हम वीडियोस को एंड करते हैं। अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।